और इस बीच एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी विधायक दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को, दारा सिंह चौहान ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं दारा सिंह चौहान। ये बड़ी खबर आ रही है। तो समाजवादी पार्टी के विधायक है दारा सिंह चौहान, कद्दावर नेता है, लेकिन अब उनके बीजेपी में जाने की अटकलें सामने आ रही हैं। उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से आ रही है। अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। संजय हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। संजय, ये एक बड़ा झटका है, क्या जानकारी निकल कर आ रही है दारा सिंह के सियासी भविष्य को लेकर? देखिए, योगी सरकार के पहले कार्यकाल में दारा सिंह चौहान वन मंत्री थे, काफी प्रभावशाली नेता पूर्वांचल के माने जाते हैं, और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया था और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। घोसी से उनको सपा का टिकट मिला था और वो वहां से चुनाव जीते भी थे। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव की तैयारियां उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाली हैं, तो ऐसे में दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। और ऐसा हमारे सूत्र बताते हैं कि उन्होंने जो अमित शाह है गृहमंत्री, उनसे मुलाकात की है, उसके बाद ये निर्णय लिया है। उनका इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा जा चुका है और आगे कार्रवाई चल रही है। और ऐसी भी खबर आ रही है कि लोकसभा से बिल्कुल उनको लोकसभा का टिकट भी मिल सकता है। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या तस्वीर बनती है। शुक्रिया संजय आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।